मणिपुर हिंसा पर मचा है बवाल। सीएम का बयान बेहद शर्मनाक। विपक्ष ने उठाए कई सवाल। मणिपुर का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देखते ही देखते देश में एक उबाल आ गया। उबाल था उस व्यवस्था के खिलाफ जो पिछले लगभग 2.5 महीने से मूक दर्शक बनी हुई थी। उबाल था उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने सरेराहत दो महिलाओं की इज्जत को तार तार कर दिया। उबाल था उस कानून के खिलाफ जिसने सब कुछ जानते हुए भी इस अनहोनी को होने दिया। लेकिन अब देश इंसाफ मांग रहा है, इंसाफ उन महिलाओं के लिए जिन्होंने हिंसा की आग में अपना सब कुछ लुटा दिया, पैसा, जमीन, यहां तक कि इज्जत। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद इतने दिनों तक आरोपी ऐसे ही आवारा खुले में घूमते रहे, कानून को ठेंगा दिखाते रहे। वो तो भला हो सोशल मीडिया का कि वायरल वीडियो सबके सामने आ गया, और आया भी ऐसा कि पूरे देश में बवाल मच गया। अब लोग मणिपुर के मुख्यमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री होने के नाते आप हिंसा को रोक पाने में अब तक नाकाम हैं तो आपको इस कुर्सी पर बैठने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस घटना के बाद न सिर्फ मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया, बल्कि बेशर्मी की हद तो ये है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि ये तो सिर्फ एक ही मामला सामने आया है, बल्कि ऐसे तो सैकड़ों और मामले हैं। खैर, मामले ने तूल पकड़ा तो अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इमीडिएटली वो वीडियो को देखा तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। करो रियलिटी और फैक्ट, उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशन एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है, और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि इफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम इफर्ट करेंगे। समर सेस नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं सिर्फ ये कहकर अपनी व्यथा रोक रहा हूं, पीड़ा रोक रहा हूं। अगर किसी के अंदर हृदय होगा तो उस घटना को सोचकर शर्मिंदा हो रहा होगा। और इस बयान के बाद मुख्यमंत्री जी, वो अपनी कुर्सी पे मुख्यमंत्री बना हुआ है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई। यानी मुख्यमंत्री को सब पता है कि उनके राज्य में बीते लगभग 83 दिनों में क्या हुआ है, लेकिन एक्शन के नाम पर कुछ नहीं। और शायद यही वजह है कि देश के लोगों के साथ साथ पूरा विपक्ष उनकी अब तक की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है और तुरंत इस्तीफा देने की बात कह रहा है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि FIR 18 मई को दर्ज की गई थी और ये 0 FIR थी। मुझे यकीन है कि पुलिस के पास ये वीडियो था, लेकिन 18 मई से आज तक कार्रवाई किए बिना बेकार बैठे रहे। मई 18 को ये FIR दर्ज हुआ था और 0 FIR था, और ये वीडियो आई एम श्योर पुलिस के संज्ञान में भी था। पर मई 18 से लेकर आज हम जुलाई 22 पर बैठे हैं और किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए लिया गया है क्योंकि ये वीडियो लीक हो गया और वीडियो वायरल हो गया, और खुद मुख्यमंत्री ने कल एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ऐसे 100 FIR दर्ज हैं। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है तो इसके लिए इन्होंने जवाबदेही ली है और अरेस्ट किए हैं। बाकी उन 100 महिलाओं का क्या जिनका FIR दर्ज किए हुए हैं और आपने कोई संज्ञान नहीं लिया है? इतनी शर्मनाक बात है कि आज आप कोई भी काम जो कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता के सामने आ रहा है, इसलिए शायद आपने इंटरनेट बैन लगाया हुआ है कि जनता को पता ही ना चले। जो जनता ने आज तक ये सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री इस पे संज्ञान ले रहे हैं, काम हो रहे हैं, इस वीडियो ने उनका पर्दाफाश किया है। तो अब ये अरेस्ट, ये सब एक फेस सेवर है दिखाने को कि वहां पे कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। फिलहाल अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया है और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे दरिंदों में से अब तक 4 को गिरफ्तार भी कर लिया है।
हालांकि अब सवाल उठे हैं तो जवाब भी देना होगा, और जवाब देना होगा राज्य के मुख्यमंत्री को और वहां की कानून व्यवस्था को कि आखिर इतने दिनों तक क्यों आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई, और जब मुख्यमंत्री के बस में कुछ नहीं है तो क्यों ना इस्तीफा दे दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी इन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।